उत्तर मध्य रेलवे ने 2021-22 में कई उपलब्धियां अपने नाम दर्ज की हैं और कई जनहित के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे ने ऐलान किया है कि 2024 तक दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई जाने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनों को मिशन 160 के तहत ट्रेनों का संचालन 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक कर दिया जाएगा। इसके लिए काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 में बड़े पैमाने में कई रेल मार्गों को दोहरीकरण, तिहरीकरण और चौहरीकरण किया गया है। इसके साथ ही साथ एनसीआर रेलवे ने 2021-22 में विद्युतीकरण के मामले में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 439 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण और उत्तर मध्य रेलवे नेटवर्क पर चलने वाली 42 जोड़ी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को डीजल से इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन में बदला गया है। उत्तर मध्य रेलवे के CPRO डॉक्टर शिवम शर्मा के मुताबिक 2024 तक दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई की एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाएगी। इस पर लगातार रेल विभाग काम कर रहा है ताकि यात्री तय समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। उन्होंने बताया है कि फिलहाल एनसीआर रेलवे की कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनकी रफ्तार 130 और 150 तक है, जिसमें वंदे भारत, राजधानी और गतिमान शामिल हैं। और अगर एवरेज एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड की बात करें तो 92 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो अभी हमारे कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे मिशन 160 चल रहा है। मिशन 160 के तहत जो दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा ट्रैक है, इसको हमें अपग्रेड करना है 160 kmph और उससे ऊपर की गाड़ी चलाने के लिए। तो डिफरेंट पैचेज में उसका काम चल रहा है और 2024 तक उम्मीद है हमको कि हम दिल्ली हावड़ा ट्रैक को, जो NCR के पोर्शन में 775 किलोमीटर का एरिया आता है गाज़ियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तक का, तो उसको हम लोग काम चल रहा है और उसको शीघ्र ही हम लोग अपग्रेड करने में सफल हो जाएंगे। अभी पोटेंशियल स्पीड्स हैं, कुछ ट्रेनें हैं जो कि 110 पे चल रही हैं, कुछ ट्रेनें हैं जो 130 पे चल रही हैं, और मैक्सिमम ट्रेन्स जो NCR में चल रही हैं वो 130 kmph पे चल रही हैं। लेकिन हमारे पास वंदे भारत भी है और गतिमान भी है, जो कि गतिमान 160 kmph से चल रही है, शताब्दी 150 kmph से चल रही है। तो डिफरेंट स्पीड डिफरेंशियल्स की ट्रेन्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ NCR रेलवे की उपलब्धियों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2021-22 उत्तर मध्य रेलवे के लिए बेहद खास रहा है। इस वर्ष के दौरान बड़े स्तर पर आधारभूत संरचना के विस्तार कार्य पूरे किए गए हैं। इनमें 51.2 किलोमीटर दोहरीकरण का काम किया गया है। इसमें कानपुर वीरांगना लक्ष्मीबाई मार्ग के अलग अलग खंडों का दोहरीकरण शामिल है। 2022 में कानपुर वीरांगना लक्ष्मीबाई खंड का दोहरीकरण पूरा हो जाएगा। साथ ही 71.89 किलोमीटर का तिहरीकरण का काम पूरा हुआ। इसमें आगरा झांसी और प्रयागराज मंडल के धौलपुर से भांडई वीरांगना लक्ष्मीबाई से बबीना और नैनी से प्रयागराज छिवकी खंड शामिल है। आगरा मंडल के छत्ता अजयी वृंदावन भूतेश्वर के बीच 28.04 किलोमीटर दोहरीकरण का काम भी इसी साल पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही मथुरा पलवल चौथी लाइन का 80 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट 2021-22 में पूरा हो गया। अप्रैल 2022 में प्रयागराज मंडल के भावपुर और पनकी के बीच चौथी लाइन को भी चालू करने की योजना है। पिछले 7-8 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हुआ है। थर्ड लाइन, बाइक डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वाड्रपलिंग, इन सब चीज़ों में इजाफा अच्छा खासा हुआ है, हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैं 2021-22 वित्त वर्ष की बात करूं, तो हमने लगभग 52 किलोमीटर की डबलिंग करी है उत्तर मध्य रेलवे में। मेनली ये कानपुर झांसी सेक्शन के बीच में डिफरेंट पैचेज में हुई है, और हमने 70 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रिपलिंग करी है, मतलब तीसरी लाइन का काम कराया है। जो बीना झांसी सेक्शन है वहाँ ट्रिपलिंग का काम चल रहा है, और झांसी मथुरा के बीच में ट्रिपलिंग का काम चल रहा है। तो इसी क्रम में धौलपुर से आगरा की थर्ड लाइन बनके तैयार हुई है। बता दें कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन के तहत उत्तर मध्य रेलवे अपने सभी बाकी बचे मार्गों का युद्ध स्तर पर विद्युतीकरण कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 उत्तर मध्य रेलवे के लिए उपलब्धियों का वर्ष साबित हुआ। इस दौरान बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ। उत्तर मध्य रेलवे का कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क 3,222 रूट किलोमीटर है,
जिसमें से अब 3,146 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इलेक्ट्रिफिकेशन की एक अपनी भूमिका है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत वॉर फुटेज पे प्रगति पे है। पूरी इंडियन रेलवेज का लक्ष्य है 2030 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव करना। तो अगर मैं NCR की बात करूं, NCR में जो हमारा टोटल ब्रॉडगेज नेटवर्क है वो 3,222 किलोमीटर का है। तो 3,222 किलोमीटर में से 3,146 किलोमीटर ऑलरेडी इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। और इसमें भी जस्ट ये जो अभी वित्त वर्ष गुजरा है 2021-22, इसमें मैसिव काम हुआ है और हमने 439 रूट किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन इसी एक साल में किया है। इसमें कुल मिला के हमारा 439 रूट किलोमीटर का सेक्शन हम लोगों ने इस साल इलेक्ट्रिफाई किया है और बचा हुआ सिर्फ 76 किलोमीटर का सेक्शन है जो कि इस साल इलेक्ट्रिफाई मोस्ट लाइकली बहुत जल्दी ही बता दें कि रेलवे विभाग पिछले कई सालों से यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए हर सार्थक प्रयास कर रहा है। ऐसे में 2 साल तक रहे कोरोना काल के बावजूद भी रेलवे ने अपने कामों से ये साबित कर दिया है कि जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।